चाणक्य आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है किंग्स वे से कर्तव्य पथ। ये विषय बड़ा ही रोचक है, किंग्स वे से कर्तव्य पथ। इसके बारे में हम विस्तार से बात करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन को अब कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। नई दिल्ली नगर परिषद ने इसकी घोषणा की है। कर्तव्य पथ का दायरा रायसीना हिल पर बने राष्ट्रपति भवन से शुरू होता है और विजय चौक, इंडिया गेट, फिर नई दिल्ली की सड़कों से होते हुए लाल किले पर समाप्त होता है। इन्हीं सड़कों पर हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड भी होती है। करीब 3.5 किलोमीटर की दूरी के इस रास्ते के इतिहास में अगर हम जाएं तो पहले इसे किंग्सवे कहा जाता था, फिर इसे राजपथ के नाम से जाना जाने लगा और वर्तमान समय में इसी को कर्तव्य पथ का नाम दिया गया है। अब कर्तव्य पथ के बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। ग्रैंड कैनोपी के नीचे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन के पूरे खंड और क्षेत्र को कर्तव्य पथ के रूप में जाना जाएगा। कर्तव्य पथ में लैंडस्केप, वॉकवे के साथ लॉन, अतिरिक्त हरे भरे स्थान, नवीनीकृत नहरें, एमिनिटी ब्लॉक, बेहतर साइनेज और वेंडिंग कियोस्क प्रदर्शित होंगे, नए पैदल यात्री अंडरपास, बेहतर पार्किंग स्थान, नए प्रदर्शनी पैनल और रात्रि में बेहतर रोशनी की व्यवस्था सहित कुछ अन्य विशेषताओं के साथ सार्वजनिक सुविधाओं का अनुभव करेंगे। इसमें ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफान जल प्रबंधन, उपयोग किए गए पानी का पुनर्चक्रण, वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण और ऊर्जा कुशल प्रकाश व्यवस्था जैसी कई सुविधाएं शामिल हैं। वर्तमान समय में कर्तव्य पथ में क्या क्या शामिल है इस पर हम बात कर चुके हैं। अब हम देख लेते हैं कि किंग्सवे से राजपथ तक की यात्रा कैसी रही है, इसका इतिहास कैसा रहा है। इसकी कहानी 1911 से शुरू होती है। तब दिल्ली दरबार में शामिल होने के लिए किंग जॉर्ज पंचम भारत आए थे। ये वही समय था जब कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत यानी ब्रिटिश भारत की राजधानी बनाने की घोषणा हुई थी। इसलिए अंग्रेज़ों ने किंग जॉर्ज पंचम के सम्मान में इस जगह का नाम किंग्सवे रखा था। किंग्सवे नाम सेंट स्टीफन्स कॉलेज के इतिहास के प्रोफेसर पर्सिवल स्पीयर्स ने दिया था। किंग्सवे का मतलब राजा का रास्ता होता है। प्रोफेसर पर्सिवल ने केवल किंग्सवे ही नहीं बल्कि दिल्ली की कई सड़कों का नामकरण करवाया था। कहा जाता है कि अकबर रोड, पृथ्वीराज रोड, शाहजहां रोड आदि नाम उन्हीं की सलाह पर रखे गए थे। एडविन लुटियन और हर्बर्ट बेकर ऐसे दो लोग हैं जिन्होंने सेंट्रल विस्टा को डिज़ाइन किया था। ये प्रोजेक्ट वॉशिंगटन के कैपिटल कॉम्प्लेक्स और पेरिस के शॉन्स एलिजे से प्रेरित था। ये तीनों प्रोजेक्ट नेशन बिल्डिंग प्रोग्राम का हिस्सा थे। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक के 3.2 किलोमीटर लंबे क्षेत्र को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। लुटियंस और बेकर ने उस वक्त गवर्नमेंट हाउस, जो अब वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति भवन है, इंडिया गेट, काउंसिल हाउस जो अब संसद है, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक और किंग्स जॉर्ज स्टेचू जिसे बाद में वॉर मेमोरियल बनाया गया, इन सभी चीज़ों का निर्माण किया है। वर्तमान में जो ये बदलाव किए गए हैं इनको उपनिवेशवाद के प्रतीकों को ख़त्म करने के क्रम में देखा जा रहा है। 15 अगस्त को लाल किले से अपने संबोधन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उपनिवेशवाद के प्रतीकों को ख़त्म करने पर जोर दिया था। राजपथ का नया नाम और नया रूप, साथ ही ग्रेट कैनोपी के नीचे नेताजी की 28 फुट की प्रतिमा की स्थापना, इससे पहले जॉर्ज पंचम की एक मूर्ति यहाँ पर थी उसको वहाँ से हटाया जाना, ये सारी चीज़ें भारत के लोगों को गर्वित करने के लिए हैं और भारत की भावना का प्रतिनिधित्व ये करती हैं। वर्तमान समय में भारत में इस क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। अब सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट क्या है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सेंट्रल विस्टा के पूरे क्षेत्र को
नए सिरे से विकसित करने के लिए जो प्रोजेक्ट है उस पूरे प्रोजेक्ट को सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है। इसमें मौजूदा कुछ इमारतों में कोई बदलाव नहीं होगा तो कुछ को किसी और काम में इस्तेमाल किया जाएगा, कुछ को रिनोवेट किया जाएगा तो कुछ को गिराकर उनकी जगह पर नई इमारतें बनाई जाएंगी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट होगा वो सारा है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाएगा। इस इलाके में स्थित 6 इमारतों में इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कोई बदलाव नहीं होगा। इनमें राष्ट्रपति भवन, हैदराबाद हाउस, इंडिया गेट, रेल भवन, वायु भवन और वॉर मेमोरियल शामिल है। वहीं नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक दोनों को नेशनल म्यूजियम में बदला जाएगा। संसद की मौजूदा इमारत को पुरातात्विक धरोहर में बदल दिया जाएगा। मौजूदा जामनगर हाउस को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में बदल दिया जाएगा। इसके साथ ही 4 नई इमारतें नए सिरे से बन रही हैं। इनमें नए संसद भवन के साथ ही उपराष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री आवास के साथ नया सेंट्रल सेक्रेटेरिएट बनाया जाएगा। इसी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में सरकार के भी मंत्रालय और उनके ऑफिस शिफ्ट किए जाएंगे। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू सेंट्रल विस्टा मास्टर प्लान का ही हिस्सा है, जिसका अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने इनॉग्रेशन किया है। राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट के बीच की सड़क और उसके दोनों ओर के इलाकों को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं। यह सड़क जो किंग्सवे के नाम से बनी थी, आज़ादी के बाद इसको राजपथ कर दिया गया और अब इसका नाम कर्तव्य पथ है, जो हमारे कर्तव्यों से हमें अवगत कराएंगी, कर्तव्य की भावना से हमें अवगत कराएंगी। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ। इसके बारे में जो भी जानकारियाँ थी मुख्य पर हमने बात कर ली है। कल हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।